अब आइए इसी पुरकैफ माहौल में हम उस शायर को आपके हवाले कर दें जिन्होंने एक जमाने से शायरी करके शेर व अदब की हिफाजत की और उर्दू अदब की हिफाजत की और सरकारी सरकारी के हवाले से लिखने की बात आई तो सबसे ज्यादा मनकबते लिखे शेखुल मशाइख महबूबुल औलिया दादा सरकार की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने का शरफ हासिल किया। एक मुद्दत तक सरजमीन मुजफ्फरपुर की तर्जमानी शेर व अदब के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में कराने का शरफ अपने नाम कर लिया जिन्हें दुनिया शायर आज़म हिंदुस्तान जनाबे अफजल मुजफ्फरपुरी के नाम से जानते हैं जो अब बिला शक के शुबा उस्तादुल शुआरा के मकाम पर फाइज है उस्तादुल अदबा के मकाम पर फाइज है और बड़ी बारीक बीबी के साथ शेर लिखते भी हैं शेर पढ़ते भी हैं शेर कहते भी हैं और शायरी किसे कहते हैं वो मंजर दिखाने की कोशिशें भी करते हैं। इस इदारे के सदर मुदर्रिसीन भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला मजीद तरक्की नसीब फरमाए खूबसूरत इदारे के साथ इनका इस्तकबाल कर ले नारे थोड़ी सी और मोहब्बत की लौ को तेज करें। देखिए खतीबे आदम सोते हुए मजमे को जगा देने वाले जाते हुए मजमे को रोक कर सुना देने वाले बैठे हुए मजमे को खड़ा कर देने वाले मुरझाए हुए गुलशन को शादो आबाद कर देने वाले हजरत कब्रुल इस्लाम अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और दूसरी जानिब शेखुल हदीस दारुल उलूम मुल्तके इस्लामिया बेगिया सिरा शरीफ खतीब अल बराहीन रासुल मुकररीन उम्मतुल वाइजीन बड़ी मुताले किताबी बातें अरबी फारसी में लिखी हुई वो अदह बातें जिन तक तहत ऐसी बातें निकाल कर खंगाल कर जब लोगों के सामने रखते हैं तो आवाम का आवाम है उलमाए किराम के रोंगटे खड़े हैं। वो खतीब हमारे और आपके दरमियान जलवा बार है। थोड़ी देर के बाद उनसे भी आप मुलाकात करेंगे। थोड़ी सी मोहब्बत की लौ को और तेज करके बोलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना हीरा कांच का टुकड़ा गैर के पत्थर लाल बराबर और सच कहती है दुनिया सारी घर की मुर्गी लाल बराबर ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहब्बत से बोलिए नारे भी सूरज का नूर है दुहा के बाद है चांद का वजूद भी बदूद जा के बाद और सर पर उन्हीं के कदमे नबूवत सर पर उन्हीं के कदमे नबूवत ताज है। अरे अब आएगा नबी न कोई मुस्तफा के बाद। थोड़ी सी मोहब्बत की लौ को और तेज करके बोलिए नारे भी नारे मसलक आला हजरत शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी। मैं शेर के साथ उनका इस्तकबाल कर रहा हूं कि हुसूल दाद की पहले से तैयारी नहीं करते हुसूल दाद की पहले से तैयारी नहीं करते मियां हम शेर पढ़ते हैं अदाकारी नहीं करते मियां हम शेर पढ़ते हैं अदाकारी नहीं करते क्योंकि बुराई ऊंचे मंजिल पर पहुंच कर भी बुराई है बड़े जो लोग हैं वो बात बाजारी नहीं करते। अब इस शेर के साथ साथ उन्हें आपके हवाले करूंगे अहले फन अहले कलम अहले ज़बान है अब शायर के बज़्म का रूहे रवा आता है अब और बज़्म के सीने पे वह गुल जिसको असल कहते हैं गुल से ताने रंग रूह में बेगुमा आता मैं उस्तादे ज़मन के कुछ अशआर पेश करता हूं हुसूल बरकत के लिए मुलाहिज़ा फरमाएं आला हज़रत के मजले भाई उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खान बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नाते पाक के दो तीन शेर हुसूल बरकत के लिए मुलाहिज़ा करें। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु सल्ले अला सैयदना शरीयना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातो सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अभी मदीना का तذکرہ सुन रहे थे और बगदाद के चौचा अजमेर के लिए सरकाही का तذکرہ आप समाप्त कर रहे थे मुलाहिजा फरमाएं। एक बार और पेश की मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह अजब रंग कर है
बाहर मदीना जब रंग गए जाइए तलबा नारे तकबीर और रिसालत के सदा बुलंद बनते हुए हजरत को ले आइए और आप हजरात में बैठे इत्मीनान के साथ नाते रसूल मुलाहिजा करें। एक बार और मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अजब रंग गए बाहर मदीना अजब रंग गए अजब रंग गए बाहर मदीना अजब रंग गए सब जन गने हैं सब जन गने हैं सारे मदीना अजब रंग गए सारे मदीना सब जन गने हैं और अभी सुन रहे हैं मलाए लगाते है मलाए लगाते है मलाए लगाते मलाए बना आसमान जिले में